bismillahirrahmanirrahim Alaikum dear students this is masood here and you are watching my english channel learn english with masood students today we are going to write a report on a graph and that is very important question in IELTS if you want to get good bands you have to follow the guidelines given below let's see हाउ टू राइट ऑन ग्राफ्स ग्राफ के ऊपर आप किस तरह एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं आज हम ये सीखेंगे एक्सरसाइज टास्क वन फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट इट माइंड यू शुड स्पेंड अबाउट ट्वेंटी मिनट ऑन दिस टास्क आपको इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ बीस मिनट चाहिए एक एक्सरसाइज है एक हमने मॉडल रिपोर्ट को करने जा रहे हैं। राइट रिपोर्ट फॉर अ यूनिवर्सिटी लेक्चर डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ बिलो राइट एटलीस्ट वन फिफ्टी वर्ड्स वेन यू हैव फिनिश्ड द टास्क हाउ गुड इज योर आंसर चेक द फॉलोइंग गाइडलाइंस एंड रीड द सॉल्व आंसर्स जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो फिर देखें कि आपने कितना अच्छा पैराग्राफ ये लिखा है गुड आंसर नंबर वन डस द रिपोर्ट अ सुटेबल स्ट्रक्चर जो आपने रिपोर्ट लिखी है उसके अंदर एक मोजू स्ट्रक्चर उसके अंदर एक रप्त मौजूद है डज इट हैव एन इंट्रोडक्शन क्या उसके शुरू में इंट्रोडक्शन है उसकी मेन बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और क्या आपने कंक्लूजन उसका दिया है आपका पैरा जो है वो इन तीन हेडिंग्स के अंदर ये हेडिंग हमने लिखनी नहीं है इन तीन हेडिंग्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए

देन तमाम लाइंस को आपने इस तरह बयान करते हुए उसकी कंक्लूजन में क्या लिखा राइटिंग कोहेसिव विद इन सेंटेंसेस एंड एंड पैराग्राफ डस द रिपोर्ट यूज ग्रामर वोकैब उसके अंदर एक अच्छी वोकैबलरी है क्या आपने ग्रामर की तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह यूज किया है डज इट इंक्लूड अ वाइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ये भी देखा जाएगा कि इसके अंदर आपने कितनी अच्छी इंग्लिश और कितनी अच्छी ग्रामर यूज की है और उन सेंटेंसेस के अंदर क्या आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया डज इट इंक्लूड अ रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट वकैब जिसके मतलब आप लिख रहे हो क्या आपकी वोकैब जो है उस ग्राफ के बिल्कुल मोजो वोकैब जा रही है ठीक है आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए डिपोर्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिन और एक सौ पचास की रिपोर्ट लिखी डीट द वर्ड लिमिट रिक्वायरमेंट्स डज इट डिस्क्राइब द होल पैराग्राफ एडिक्य आपने जो पैराग्राफ लिखा वो पूरे ग्राफ का अहाता करता है कोई चीज आपने उसमें मिस तो नहीं की आपने उसको अच्छी तरह देखकर स्टडी करके फिर लिखना शुरू करना है डज इट फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स प्रेजेंटेड इन द ग्राफिक इंफॉर्मेशन उसमें कहाँ फॉल है कहाँ जंप है और कहाँ उसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये तमाम चीजें आपने उस पैराग्राफ में मेंटेन करनी है अब हम एक सॉल्व एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं आपके सामने एक ग्राफ है इस ग्राफ में यहाँ पर कुछ पेशेंट दिए गए हैं यहाँ आपके साथ और इसके वाई एक्सिस के ऊपर आपने नजर आ रहे हैं आपको 1960, 1965, 1970 इंसिडेंस ऑफ एक्स डिजीज इन सोमलैंड ठीक है ये केसेस हैं जो कि 1960 से लेकर 1995 तक एक आ, खास जगह पर वाकया हुए अब इसको शुरू करते हैं जो फर्स्ट आपने इसको स्टार्ट करना है उसके अंदर इसकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए लाइक द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ केसेस ऑफ एक्स डिजीज कोई एक बीमारी है और उस बीमारी के मतलब ये ग्राफ जो है वो हमें बताता है इन सोमलैंड एक इलाका है जहाँ पर ये बीमारी फैली कब से कहाँ तक बिटवीन द इर्स 1960 एंड 1995 तक ठीक है ये आपने एक इंट्रोडक्टरी लाइन बड़ी खूबसूरत बता दी कि हम एक डिजीज के बारे में एक केस के बारे में एक खास जो पीरियड है उसके अंदर हम बात करने लगे एज एन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखें इस पिक्चर को जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है ओवरऑल ट्रेंड इट इज क्लियर दैट द नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज कि इसके अंदर जो केसेस थे जो पेशेंट थे इनक्रीज फेयरली रैपिडली एकदम यहाँ से ऊपर गए हैं fairly rapidly. ये connective है, हमने इसमें यूज किया है फेयरली रैपिडली द मिड यानी हमने देखना है कि कहा वो जाकर उसने रुका कहा उसने सस्टेन किया और ये मिड ऑफ सेवेंटी यानी नाइनटीन सेवनटी फाइव से लेकर 1980 तक until the mid 70s remained constant यहाँ पर जो केसेस हैं वो कांस्टेंट रहे हैं ठीक है फॉर अराउंड अ डेकेड तकरीबन 10 साल के लिए एट 500 केसेस बिफोरDropping to 0 in the late 80s यहाँ पर जब वो डाउन करता है जब फॉल करता है तो उसके बारे में हमने बताना है अब देखें इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने बहुत सारे कनेक्टर इस्तेमाल किए आपने ग्रामर इस्तेमाल की आपने प्रापोजिशन यूज़ की आपने ईयर्स के बारे में बताया ठीक है ये तमाम चीज़ें आपकी एक इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ी खूबसूरती से होनी चाहिए और उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड आपको लगे कि मैंने इसमें ज़्यादा लिखा है तो उसको आप क्रॉस कर सकते हैं चलें अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं इन 1960 अब हम डिटेल बताने लगे हैं ये इसकी मेन बॉडी आ गई है इन 1960 द नंबर ऑफ केसेस स्टूड एट अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड अब जब शुरू किया हमने ग्राफ तो यहाँ हमने लिखा 1960 सिक्सटी यहाँ पर हमारे पास तकरीबन हंड्रेड केसेस थे दैट नंबर रोज स्टेडीली टू टू हंड्रेड बाई नाइनटीन अब ये 1969 से यहाँ पर हंड्रेड है और देखें यहाँ का ऊपर इसने बढ़ना शुरू कर दिया ठीक है एंड देन मोर शार्पली टू 500 इन 1979 अब हमने इस लाइन में ये बताया कि के जो केसेस थे वो बढ़ना शुरू हुए और फिर हमने इसमें ईयर मेंशन किया और फिर हमने नेक्स्ट 1977 तक जाते हुए एक ट्रेंड बता दिया कि ये बड़ी तेजी के साथ 500 को टच कर गए ठीक है अब यहाँ से हमने 100 से शुरू किया और 100 से बताते हुए ऊपर हम जहाँ पर वो पीक पर गए 500 तक एक लाइन बयान कर दी एट दिस पॉइंट द नंबर ऑफ केसेस ठीक है रिमेंड स्टेबल अंटिल 1984 अब हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी नजर आ रही है यहाँ पर ये कुछ केसेस ठहर गए हैं और ये केसेस जो हैं ये हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने ये 90 84 तक कुछ इसमें स्टेबिलिटी नजर आ रही है बिफोर प्लम्पटिंग प्लम्पटिंग होता है एकदम नीचे किसी चीज का गिरना टू जीरो जीरो पर आने के लिए ये नीचे जब गिरी है ये इसका फॉल देखें ये इसका ट्रेंड देखें इसमें ट्रेंड पाया जा रहा है इसके अंदर ये भी एक ट्रेंड है इसके अंदर एक ये भी एक ट्रेंड है तो ये जितने आपको ट्रेंड नजर आ रहे हैं ये हमने इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने हैं बाय नाइनटीन 1988 तक ये देखें बिल्कुल डाउन में आ गया ये प्लम्पिंग भी एकदम नीचे की तरफ गिरा है फ्रॉम 1988 एटी एट टू नाइनटीन नाइनटी फाइव सोमलैंड वॉज फ्री ऑफ द डिजीज अब यहाँ पर हमने इस मेन बॉडी में कहाँ से बात शुरू हुई हंड्रेड से हमने इसकी बात शुरू की और हंड्रेड के बाद हमने इसको नीचे नाइनटीन एटी एट और नाइनटीन नाइन्टी फाइव तक आते हुए इसको जीरो कर दिया

कब से अनटिल द नाइनटीन यानी शुरू हुई 1960 से अब इसको हमने दोबारा देखे यहाँ पर मेंशन नहीं किया सिर्फ यही लिखा कि 1980s तक ये जो थी ये बढ़ती गई व्हेन इट वाज रेडिकेटेड जब इसका खात्मा हो गया देखें फ्रॉम सोमलैंड इसमें हमने वो भी यूज की है इसके अंदर हमने कनेक्टिव्स भी लगाए हैं और इसके अंदर हमने आ, ग्रामर का भी इस्तेमाल किया है और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको क्लोज कर दिया है अब आपके सामने एक मैं और पैराग्राफ रखने जा रहा हूं अब आपके सामने मैं एक और जी ये थी आज की हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने केसेस को डिस्कस किया और इसके साथ साथ अगर आप इसमें अच्छे नंबर अच्छे बैंड हासिल करना चाहते हैं तो ये एक एक्सरसाइज आपके सामने मैं पेश करता हूं ठीक है राइट रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग टू दिस नंबर इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें मैं आपको चेक करके रिटर्न कर दूंगा ये आपके सामने ग्राफ है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा आप खुद इसको देखें और जो आपने फर्स्ट सॉर्ड

जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर आपने एक रिपोर्ट लिखनी है एक्सरसाइज टास्क टू, द ग्राफ द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय एंड लाइब्रेरी फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड फोर्टीन समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रेलिवेंट यू हैव टू राइट विदन वन फिफ्टी वर्स एंड इट शुड बी कम्प्लीट इड विद ट्वेंटी मिनट्स ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जो नेक्स्ट हम इसके ऊपर आर्ट्स के ऊपर जितना भी हम काम करेंगे वो आप स्टेप बाई स्टेप उसको लर्न करें थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें